और कितना 8 करोड़ रुपया को खर्च किया, लेकिन प्रशासनिक अक्षमता की वजह से आज एक एक महीने में पेयजल की आपूर्ति हो रही है। क्या ये सही है? सही है, सही है, एकदम सही है। एक एक महीने में, इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि 100 गांव आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ये भी सही है, सही है। आप ये सोचिए कि 65 साल लोकतंत्र का राज, इसमें से 53 साल कांग्रेस का राज, और 53 साल के अंदर आज हमको पीने का पानी नहीं, हमको बिजली नहीं, हमको डॉक्टर नहीं, हमको टीचर नहीं, हमको रोजगार नहीं, तो किया क्या, किया क्या यहाँ? बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सरकार होती है तो सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे नीचे जो जनता है, जिन्होंने इतना विश्वास हम पे दिया है, उस जनता के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो कमी होगा। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पीने के पानी की कमी है, तो बिना पानी के आदमी कैसा जिंदा रह सकता है? मैं ये 5 सभा का आज ये आखिरी, इसके बाद एक कोलाइट की मीटिंग है, आखिरी सभा है। यह आखिरी सभा के अंदर मैं कहना चाहती हूँ कि यह आपकी समस्या नहीं है, 5 संभाग के अंदर मेरे को पानी की जोरदार किल्लत, कहीं फ्लोराइड, कहीं खारा पानी, कहीं पानी नहीं, कहीं कुएं नहीं, कहीं नहर नहीं, पानी कहीं भी नहीं है। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं है। इतना बरसात होने के बावजूद भी आदमी कहता है कि पानी नहीं है, मेरे को बताओ कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? बिजली की समस्या, आज मुश्किल से किसानों को 2-3 या 4 घंटे 3 फेज बिजली मिलती है, मिल रही है क्या? मिल रही है क्या बिजली आप लोगों को, किसानों को? लगातार ट्रिपिंग, बिजली अच्छी तरह से नहीं आती, ट्रिपिंग चल रहा है, तो 4 घंटे बिजली का नाम है, परंतु उसमें से 2-3 घंटा बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। उसके साथ साथ जो ढाणियों के अंदर कनेक्शन देने की जरूरत थी, वो ढाणियों के अंदर कनेक्शन भी नहीं हुए। जो सिंगल फेज बिजली मैंने माताओं बहनों के लिए अलग दिया था, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, राजस्थान में 65 साल में पहली दफा एक घरेलू कनेक्शन के नाम पे सिंगल फेज की बिजली हमने माता और बहनों को अपने घर के अंदर दी। और जाने से पहले माताएं बहने 18 से 20 घंटे तक बिजली लाने का मैंने काम किया। मेरी सरकार जाने के बाद आज आप लोगों को 5 घंटे 6 घंटे कहीं 8 घंटे कहीं 9 घंटे से ज्यादा नहीं बिजली मिल रही। और महिला ये कह रही है कि हमारे तो घर में बिजली आनी थी, क्या हुआ? मैं आपको वादा करती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो 24 घंटे बिजली आप लोगों को घरेलू बिजली घर में मिलेगी। पानी की समस्या कितनी मुश्किल है मुझे नहीं मालूम, परंतु इसका मैं पता करूंगी। और जिस तरीके से हमने पहले भी किया है, पैसे खर्च करने की जरूरत होगी तो पैसे खर्च करेंगे, परंतु पर्याप्त और साफ पानी घरों के अंदर लाने का काम, आपके गांव तक लाने का काम, ये भी हम लोग करके आपको देंगे, ये भी मैं विश्वास बनाना चाहती हूँ। बड़े काम दोनों हम करके देंगे। डीपी टाइम पे आती क्या? 72 घंटे में मिल जाती क्या? डीपी खराब होती है तो 72 घंटे में आपको मिलती है क्या? कितने दिन लग जाते हैं? किसी ने मेरे को कहा 1 महीना, किसी ने मेरे कहा 2 महीना, परंतु रिश्वत के बिना नहीं मिलती। 20,000-25,000 रिश्वत दोगे तो आप लोगों को डीपी मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही ढंग गोपाल घर में बैठे रहो, नहीं मिलने वाली आपको। ये मैंने देख लिया। एक नई चीज और है, VCR। VCR के द्वारा बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? बताया जाता है कि अगर बिल 2,000 का है तो 20,000 का बिल, अगर 20,000 का बिल है तो 2 लाख का बिल, कहीं 3 कहीं 4 लाख। गांव के लोग कहते हैं कि हम कहां से पैसे ला के इनको देंगे। मैं सबको कह दिया है कि अगर किसी ने बदमाशी की है तो उन लोगों को दंडित किया जाएगा और उन लोगों को पैसा वापस किया जाएगा जिनसे चोरी करके वो पैसा लिया गया है। तो थोड़ा ये नहीं, गांव वालों को पैसा वापस दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अभी सवाईमाधोपुर से निकल के आई थी, सवाईमाधोपुर में मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसके कंधे में मीटर टंगा हुआ था और उसके हाथ में था बिल। उसने मेरे को ये कहा, ये है मीटर और ये है 5,000 का बिल, मेरे घर में कनेक्शन नहीं है परंतु मेरे हाथ में 5,000 का बिल, और आप बताओ मैं क्या करूं, मीटर मेरा लगा नहीं है। उसी रात को आपने फोन किया और कहा कि शर्म नहीं आती कि जिसका बिल, जिसको आपने मीटर नहीं लगाया, जिसको आपने
आपने कनेक्शन नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति को बिल पकड़ा रहे हो, रातों रात कनेक्शन करवाया, मीटर लगवाया और उसके बिल को खत्म करके छोड़ा। और ऐसे भी कहना चाहती हूँ कि भाई और बहनों, इतने दिन से आप लोगों ने पैसा दिया हुआ है परंतु कनेक्शन नहीं मिल रहे। अब कनेक्शन नहीं मिल रहे तो कुएं नहीं चल सकते। इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन कनेक्शन को मैंने 2007 तक पूरे कर दिए थे, इन्होंने 2008 तक पूरा किया है और पूरे 5 साल के कनेक्शन वैसे के वैसे पड़े हुए, दिए नहीं है किसी को, दिए नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, अस्पताल आपका देख लीजिए, अस्पताल यहाँ में ट्रॉमा वार्ड खोलने की मांग है, लेकिन 4.5 साल के अंदर तो पूरे डॉक्टर ही नहीं है। कितने पद है, कितने पद है और कितने डॉक्टर है? 10 तो पद और करीबन 2 या 3 एक डॉक्टर है। जांचों की सुविधा नहीं है, स्त्री रोग का डॉक्टर नहीं है, यह है ट्रॉमा वार्ड। अब समझ लीजिए कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ आपको मुफ्त दवाई मिल रही है, यहाँ आपकी मुफ्त जांच हो रही है। जयपुर के अंदर जब मैंने अखबार पढ़ा तो मेरे को बताया कि बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, वो क्षेत्र के अंदर आप चले जाओ तो आपको लिख मेरे को मिलेगा कि बेचारों को सबको मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त जांच हो रही है। किसी को मुफ्त दवाई, किसी को मुफ्त जांच हुई? रीता लोन कैंसर के अंदर आप लोगों ने मेरे से मांग की थी कि नगर पालिका की यहाँ घोषणा करो, की थी आप लोगों ने, की थी। नगर पालिका को बनवाया तो वापस क्यों करवा दिया? मैं तो कांग्रेस वालों ने कोई सोच के किया होगा, क्या किया? मैं तो देख रही हूँ आज आपका MLA मंत्री भी है, 6 करोड़ रुपया उसके बैंक में, आज 5 करोड़ रुपया जो आपके पैसे हैं उनके बैंक में अभी भी पड़े हुए हैं, 1 करोड़ रुपया मुश्किल से जनता के बीच में दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मंत्री ही अपने पैसे नहीं बांटेगा तो फिर प्रदेश क्षेत्र की जनता का होगा क्या, होगा क्या? मैं तो यही देखते आ रही हूँ। प्राथमिक शिक्षा के हाल पूरे राजस्थान के अंदर खराब है, परंतु सीनियर सेकेंडरी लून करण सर की हालत तो और ज्यादा बिगड़ी हुई है। महाजन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य ही नहीं है, कॉमर्स फैकल्टी पूरी तरह से खाली है, बायोलॉजी, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, व्याकरण के लिए लाइब्रेरियन के भी पद खाली, ये सब पद खाली है। माता बहने कहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं? मैं इनको पूछ पूछ के रह गई, लून कैंसर के सीनियर सेकेंडरी के अंदर अंग्रेजी व्याकरण के 2 पद खाली, कॉमर्स फैकल्टी के 2 पद वो खाली, संस्कृत अध्यापक और लाइब्रेरियन के पद खाली, तो कौन जाता है, कहाँ जाता है ना बच्चा पढ़ने के लिए? कालू में भी प्राचार्य सहित अनेक पद खाली, तो कौन सा स्कूल है जो चल रहा है जहाँ आपके बच्चे जा रहे हैं, कोई बताइए मुझे, है कोई स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? सिंचाई तंत्र का तो ऐसा कुप्रबंधन है कि क्या बताया जाए। मैंने देखा कि पानी समय पर मिलता ही नहीं है और लाखों लीटर खराब हो रहा है। आज ये मैं देख रही थी कि सोनिया गांधी तो आई राजस्थान में और राजस्थान का पानी गया पाकिस्तान में, ये बैठे हुए हैं यहाँ कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात आ गए हमारे राजस्थान में बिजली और पानी की बात करने के लिए, और लाखों लीटर पानी हमारा जा रहा है पाकिस्तान में। अगर वही हमको वापस दे दिया जाए तो हमारे कितने सारे लोगों को उसका फायदा होगा। 36,000 लीटर पानी है, मैं सुन रही हूँ जो जा रहा है, 8,000 क्यूसेक्स, समझो कितना पानी अपना जो अपने को मिल सकता था वो कहीं और जा रहा है। नहरें जर्जर थी, उनको ठीक कराने का हमने काम किया, सिल्टिंग की मशीनें खरीदी, 20 मशीनें बड़ी बड़ी, हमने ऊपर से नीचे तक पूरे नहर को साफ किया, मोगे एक से किए और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज वो मशीनरी चल रही है, क्यों? कि डीजल नहीं है, सरकार के पास डीजल नहीं है। अब मुझे बताओ कि सरकार के पास 20 लाख रुपए नहीं है डीजल चलाने के लिए, 30 लाख रुपए नहीं है मरम्मत करने के लिए, 70 लाख रुपए नहीं है मरम्मत करने के लिए, तो कैसी सरकार है जो यहाँ बैठी हुई है? उसको तो उस कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं है जो हमको पानी नहीं पिला सकता, जो हमको बिजली नहीं दे सकता, जो हमारी मूलभूत समस्या को नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, नहीं है। नरेगा के अंदर जॉब कार्ड नहीं मिल रहे, जॉब कार्ड तो पूछ जाओ, 13,000 करोड़ रुपया आपके
बना देंगे। लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए तेरे को नहीं मिल रहा है। आज मैं कह रही हूँ कि जब हमारी सरकार थी 26 लाख लोगों को रोजगार दिया, 26 लाख, और राजस्थान पूरे देश के प्रदेशों के अंदर नंबर एक था उस समय, ये मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि सब लोगों को सही समय पे पैसा मिल जाता था। आज जैसे नहीं कि आप लोग इधर से उधर भटक रहे हो कि हमें पैसा दे दो, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और राजस्थान की वो 26 लाख लोगों ने राजस्थान की परिसंपत्ति बनाने का जोरदार काम किया। इसकी वजह से राजस्थान बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकल के पहले पायदान पे आके खड़े होने का उसका काम हो गया। ये उन लोगों की वजह से है जिन्होंने मेहनत करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया था। पशु चिकित्सालय को NH 15 पर स्थित भेड़ ऊन विभाग के भवन में स्थानांतरित कर दिया है। क्या ये सही है? जबकि करोड़ों रुपयों की लागत से बना मूल भवन जो है वो जर्जर हालत में है, उसको ठीक ही कर देते, इतने साल उसको बिगड़ने नहीं देते, तो मैं समझती हूँ भी ठीक हो जाता। आप लोगों ने कहा है कि नून कैंसर को नगर पालिका बनाओ, और आपने ये भी कहा है कि इस नून कैंसर के अंदर दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जनप्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक द्वेषता से चलते बहुत सारे उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। क्या ये सही है? ये सही है? आपको मैं कहना चाहती हूँ कि राजस्थान को इन लोगों ने आज ऐसे गर्त में डाल दिया है कि जिस राजस्थान का इज्जत और स्वाभिमान के साथ नाम लिया जाता था, आज लोग कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट प्रदेश अगर कोई है तो वो है राजस्थान। महिलाओं के साथ अत्याचार में कई नंबर जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश का नंबर है 3 पूरे देश के अंदर। सबसे ज्यादा महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के अत्याचार अगर कई हो रहा है तो वो राजस्थान में। कैसा लगता है भाइयों और भाई बहनों? शर्म से हम लोग, मेरा सिर झुक जाता है। और मैं कहती हूँ कि जो मुखिया अपने परिवार की माता बहन और बेटियों की इज्जत को सही नहीं रख सकता, ऐसे को 1 मिनट भी उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं की इज्जत को सबसे पहला मुद्दे के उनको आगे करने की बात करनी चाहिए। परंतु मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोग सबके साथ ही जाती हो रही है, तो बेचारी महिला क्या होती है? महिला क्या होती है? आप लोग सबके साथ हो रही जाती, आदमियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, सबके साथ जाती होगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि राजस्थान प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो 10 लाख बच्चों को नौकरियों देने का काम किया था। आज ये सरकार 5 साल से है आपके बीच में, कितने लोगों को नौकरी दी है? कोई जिसको नौकरी मिली है? मैं सबको कह रही हूँ, इन्होंने बड़ी सारी परीक्षाएं कर दी, कोई टेट की परीक्षा है, कोई किसी और की परीक्षा है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ, इन सब बाधाओं से निकल के हम लोग हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। जो पद खाली पड़े उन पद को भरेंगे, और डॉक्टर टीचर ऐसे लोगों को भर के हमारे राजस्थान को विकसित करने के लिए आप लोगों को आगे जोड़ने का काम करेंगे। भाई और बहनों, 65 साल निकल गए एक तरफ है गुजरात, 15 साल दिए गुजरात के लोगों ने, गुजरात में हो गया चमन और पूरे देश का, पूरे दुनिया के अंदर नाम हो गया गुजरात का। इधर मध्य प्रदेश 10 साल के अंदर नाम हो गया मध्य प्रदेश का, और इधर राजस्थान 53 साल हमको मिल गए, और 53 साल के अंदर हम लोग गड्ढे में घुसते गए। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर हमारी सरकार होती तो 53 साल हम लोग को मिल जाता तो चमन होता भारतीय जनता पार्टी के राज में, यहाँ इस राजस्थान के अंदर। और मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि नया विकसित राजस्थान इसको बनाने का आपका हमारे दोनों का सपना है। हम लोग सब मिलके हमारे किसानों को मजबूत करेंगे, हमारी महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार देके आगे करेंगे, और हमारे व्यापारियों को काम देंगे। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हो कि एक खुशहाल, एक विकसित, एक मजबूत राजस्थान तैयार हो, तो हम लोग सब जातियां, सब मजहब, 36 की 36 को मिलके उस राजस्थान को विकट बनाने के लिए आगे चलेंगे, तो ये काम जरूर होगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाऊंगी। लड़ाई झगड़े से नहीं, पर प्रेम से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। ये आपके बीच में आएंगे, अब 4 महीने बाकी है, बहुत सारे आपको पैसा फेंकेंगे, कहेंगे साड़ी नहीं है तो साड़ी के एवज में पैसा ले लो, कहेंगे साइकिल नहीं है तो साइकिल के एवज में ले लो पैसा, लैपटॉप नहीं तो एवज में ले लो पैसा। अरे अगर वो कह सकते थे तो ये भी कहते कि बिजली नहीं है तो ले लो पैसा, और पानी नहीं है तो पानी के एवज में भी ले लो पैसा,
तो फिर सरकार किस काम की? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सब पैसा आप ही का है, इस पैसे को लो, शर्माओ मत, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो ये काला धन उनके जेब में जाएगा और वो स्विस बैंक के अकाउंट में जाएगा जहां ये इनका था धन पड़ा हुआ है। आप लोग सबको मालूम है कि देश का एक दामाद जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, जानते हो आप लोग? जानते हो ये रॉबर्ट वाड्रा, इसको मुख्यमंत्री ने बुला के 10,000 बीघा जमीन उसको हवाले कर दी, खरीदी उसने बहुत ही सस्ती, बेची उसने बहुत ही महंगी, और इतना सारा पैसा लेके वापस दिल्ली चला गया। हमारे गरीब किसानों को कितनों को जमीन मिली, कितनों को मिली? मैं याद दिला दूं कि हम लोगों ने भूदान के अंदर कितने सारे लोगों को पट्टे दिए थे, उसने कितने लोगों को कैंसिल करने की इन्होंने कोशिश की, 20,000 पट्टे इस क्षेत्र के अंदर उस भूदान के अंतर्गत हम लोगों ने दिए थे, याद है आप लोगों को? याद है? और आज क्या किया है कांग्रेस ने? आपके बीच में आएंगे और आपको याद दिलाएंगे और कहेंगे कि हमें वोट तो ले पैसा। अरे हम लोग सब स्वाभिमानी लोग हैं, मैंने इनको कह दिया कि राजस्थान के लोग गरीब है परंतु इज्जतदार है, स्वाभिमानी है, ये आपके टुकड़ों के ऊपर नहीं, ये आपके टुकड़ों के ऊपर नहीं, अपने स्वाभिमान में जीते हैं। और सबने ये तय कर लिया है कि हमको अपना भविष्य देखना है, हमें राजस्थान का भविष्य बनाना है, क्योंकि राजस्थान के भविष्य के साथ हम सबका भविष्य जुड़ा हुआ है और हमको गर्त में नहीं पड़ना है, ये सब लोगों ने तय कर लिया है। अभी जब आपके बीच में आएंगे, ये सोनिया अभी तो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, जहां भी मैं जा रही हूँ या तो मेरे साथ या मेरे पीछे, कभी तो कोई घोषणा करेंगे तो कभी कोई घोषणा करेंगे, अब कभी और कुछ नहीं रहा तो सोनिया गांधी को ही ले आए। उधर आपके नागौर के अंदर जायल में पानी की एक बहुत बड़ी स्कीम के लिए, ये कोई नहीं आने वाला, 3-4 साल तक पानी नहीं आना है। इसी तरीके से यहाँ सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर 2009 की परमिशन है, 3 साल क्यों रुके रहे? क्यों? क्योंकि वो जो जिसको देना चाह रहे थे उसको दिया, उसके पैसे अपने जेब में जब तक नहीं आए 3 साल गुजर गए। अगर ये 3 साल पहले आ जाता तो कितने सारे लोगों को उसका फायदा हो जाता, कितने लोगों को उसकी बिजली मिल जाती, तो उसकी चिंता उसको नहीं है। अब मैं आप लोगों से चिंता कह रही हूँ, हमें किसी की चिंता नहीं, अब हमको अपने परिवार की चिंता, अपने प्रदेश की चिंता है। हम लोग सब मिलके तैयारी करें, ये डराएंगे, ये धमकाएंगे, सीबीआई का नाम लेंगे और नाम लेंगे, हमें किसी से डरना नहीं है, ये हमारा प्रदेश है, हमारा भविष्य है। बताओ आप लोग में हिम्मत है? अगर है हिम्मत करने के लिए तो बताओ तैयार हो? तो हिम्मत भी है और तैयार भी हो तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान। ऐसे थोड़ी निकलेगा, जितना पसीना आपको आ रहा है उतने मेरे को आ रहा है, तो इसे दोनों बोलना है जोर जोर से, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सबको माता बहने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, और ये विश्वास दिलाती हूँ कि अपन राजस्थान को बदलेंगे, अपन गरीबों की, किसानों की, माता बहनों की और हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करेंगे। आओ साथ चलो मेरे साथ और देखो क्या मजा आता है, ये ताकत आप में है, मेरे में अकेले में नहीं है, ताकत आपकी है, इसलिए जोरदार तरीके से हम लोग निकलेंगे और इस चुनाव के अंदर कमल के फूल को हमने छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।